हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्मूले बताए थे इंटीग्रेशन में। मैं अभी आपको सॉल्व करके कुछ इंटीग्रेशन बताऊंगी। सिंपल सा इंटीग्रेशन है, उसको मैं सॉल्व करके बताऊंगी। जैसे कि ये है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू एक्स माइनस फोर एक्स क्यू इन डी एक्स। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सबसे पहले मैं अलग अलग कर लूँगी सबको। वन इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फोर एक्स क्यू डी एक्स। वन को हम बाहर निकाल लेंगे, डी एक्स टू एक्स इंटू डी एक्स माइनस फोर एक्स क्यू इंटू डी एक्स। हम अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे कि इसका हो गया वन इंटू डी एक्स का एक्स हो जाएगा प्लस टू। तो इसमें मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था इसका एक इंक्रीज होगा, तो ये हो गया वन, तो ये यहाँ हो जाएगा टू बाई टू माइनस फोर एक्स टू द पावर फोर बाई फोर प्लस सी। तो ये टू ये टू ये फोर चला गया, तो इसका आ जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर फोर प्लस सी। इसका ये हो जाएगा आंसर। चलिए हम लोग दूसरा इंटीग्रेशन लेते हैं, देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स माइनस टू बाय रूट एक्स इंटू डी एक्स। इसको भी हम सेम वही करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। थ्री एक्स बाई रूट एक्स माइनस टू बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ भी सॉरी, यहाँ भी हम डी एक्स लगाएंगे। अब थ्री को बाहर कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स बाई रूट एक्स माइनस टू को बाहर कर लेंगे तो आ जाएगा डी एक्स बाई रूट एक्स। अब इसको करेंगे तो होगा थ्री एक्स को, इस एक्स को हम ऊपर ले जाएंगे, रूट एक्स है तो यहाँ पे वन बाई टू है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन बाई टू। तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर वन माइनस वन बाई टू माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू इंटू डी एक्स। इसका करेंगे इंटीग्रेशन थ्री इंटू एक्स टू द पावर वन बाई टू प्लस वन बाई टू प्लस वन माइनस टू इंटू एक्स टू द पावर वन बाई टू बाई वन बाई टू। ये हो जाएगा कितना, थ्री इंटू टू बाई थ्री और एक्स टू द पावर हो जाएगा थ्री बाई टू माइनस यहाँ पे हो जाएगा टू इंटू टू एक्स टू द पावर वन बाई टू। सॉरी, हम यहाँ सी लगाएंगे, प्लस सी करेंगे। ये थ्री थ्री चला गया, टू एक्स टू द पावर थ्री बाई टू माइनस फोर एक्स टू द पावर वन बाई टू प्लस सी। इसका हम इसका इतना आ जाएगा, ये हो गया इसका आंसर। अब हम साइन थीटा का एक इंटीग्रेशन सॉल्व करके देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होता है। जैसे कि साइन थीटा कॉस थीटा का, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा बाय सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब हम इसमें क्या करेंगे, साइन को कॉमन कर लेंगे, साइन को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय सॉरी यहाँ डी थीटा होगा बाय सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसकल टू हो कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा आता है इसका फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बाय सेक स्क्वायर थीटा
इंटू डी थीटा, इससे एक्स एक्स चला गया तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन मैंने आपको फॉर्मूला में पहले ही बता चुकी हूँ मैं, इसका होता है कॉस थीटा, यहाँ पे हम प्लस सी लगा देंगे, माइनस आ जाएगा कॉस में क्योंकि इंटीग्रेशन में सी के पदों में माइनस लगता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और इंटीग्रेशन सॉल्व करके मैं बताती हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डी एक्स, तो इसको पहले हम इसका ये मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, कितना आएगा इसका, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, इस सब का आ जाएगा डी एक्स। अब फिर इसको हम अलग अलग कर लेंगे जैसे हम पहले में किए थे, एक्स क्यू इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब कितना आ जाए, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स टू द पावर फोर बाय फोर प्लस थ्री बाय टू एक्स टू द पावर टू, क्योंकि इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू तो हो गया थ्री बाय टू प्लस एक्स क्यू बाय थ्री प्लस थ्री एक्स प्लस सी, इसका इतना आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि हमने देखा, हम ऐसे ही सिंपल तरीके से कुछ इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद मेरे चैनल को देखने के लिए।